नागपुर में निगरानी के लिए लगाए गए 37,000 कैमरे L&T कंपनी ने किए थे बंद, बकाया राशि को लेकर उठाया गया था कदम। L&T कंपनी ने 150 करोड़ रुपए महाराष्ट्र इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर है बकाया रकम ना जमा करने से सभी कैमरे बंद करने का लिया गया था फैसला। मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने लगाई L&T कंपनी को फटकार, कहा जनहित के लिए दायित्वों का उल्लंघन कर रही है कंपनी। L&T कंपनी की ओर से किए गए कृत्य से शहर पुलिस भी आई हरकत में, मनपा आयुक्त और स्मार्ट सिटी की CEO भुवनेश्वरी S को पत्र लिखकर कंपनी पर कार्रवाई करने की है मांग। शराब के नशे में धुत होकर बड़े भाई सतीश मानकर ने छोटे भाई गितेश को उतारा मौत के घाट, दहेगा और रंगारी की है पूरी घटना। आरोपी सतीश मानकर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, घटनास्थल से चाकू भी किया जब्त। सतीश की पत्नी ने खून से सने चाकू को धोकर सबूत मिटाने की थी कोशिश। लकड़गंज थाना क्षेत्र में छेड़खानी का मामला आया सामने, 15 से 14 साल की दो बहनों को रिश्तेदार द्वारा ही की जा रही थी छेड़खानी। घटना का पता चलने पर परिजनों ने ही कर दी थी आरोपी शुभम ढूंढने की धुनाई, पुलिस ने आरोपी पर छेड़खानी का मामला किया दर्ज। नहीं थम रहे हैं छेड़खानी के मामले, कपिल नगर थाना क्षेत्र में भी सामने आया छेड़खानी का मामला। आरोपी 45 वर्षीय मिलन सहारे है जो कि पड़ोस में ही रह रही 21 साल की छात्रा को फोन पर मैसेज कर करता था परेशान। जिले के उमरेड रोड से लगकर फुकेश्वर गांव के पास घूम रहा है बाघ, जानकारी मिलते ही आसपास के परिसर में मची खलबली। संबंधित क्षेत्र में बाघ देखे जाने की बूटी बूढ़ी वन परिक्षेत्र को दी गई जानकारी, घटनास्थल पर पहुंची टीम। बाघ देखे जाने से आसपास के इलाकों में किया गया है अलर्ट, फुकेश्वर गांव से सटे वड़द, जुना पानी, खापरी, मतंगझरी आदि गांवों को दी गई है सतर्क रहने की चेतावनी। मेडिकल में वैक्सीन के दोनों टीके लगाने पर भी 52 पॉजिटिव लोगों के मामले आए हैं सामने, विशेषज्ञों ने कहा डरने की जरूरत नहीं, संक्रमित होकर भी अब उतना हावी नहीं होगा कोरोना। नागपुर मनपा की ओर से मेडिकल प्रशासन को कारण बताओ नोटिस किया गया जारी, एक वरिष्ठ महिला को पहला डोज कोविशील्ड और दूसरा को वैक्सीन का टीका लगाए जाने से मामले ने पकड़ी आग। कोवैक्सीन का टीका लगाने के बाद महिला को हुई थी दो बार उल्टी, परिजनों ने मेडिकल प्रशासन से की थी शिकायत, मामले को लेकर मेडिकल प्रशासन हुआ सावधान, समिति की गठित। एक ही महिला को पहला डोज कोविशील्ड और दूसरा कोवैक्सीन दिए जाने का यह है पहला मामला, मनपा के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय चिलकर ने दी जानकारी। MIDC थाना क्षेत्र में एक कुख्यात अपराधी की प्रतिद्वंदियों ने ही कर दी हत्या, मृतक अपराधी सनी उर्फ छोटा नस्तु विजय सिंह चौहान को गुरुवार की रात उतरवाया मौत के घाट। मृतक आरोपी छोटा नसू के खिलाफ कई आपराधिक मामले थे दर्ज, प्रतिद्वंदी रियाज शेख के साथ छोटा नसू की चल रही थी अनबन। गुरुवार की रात करीब 10 बजे छोटा नसू को उसके घर के सामने ही विरोधियों ने घेर कर मारने की बनाई थी योजना, हथियार से गोद कर छोटा नसू को उतारा मौत के घाट। नागपुर में 7,627 लोगों के कोरोना टेस्टिंग से मिले 34 कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में गुरुवार को कोरोना संक्रमण की वजह से नहीं हुई कोई मौत। गुरुवार को जिले में कुल मिले 107 मरीज हुए संक्रमण से रिकवर, रिकवरी रेट भी बढ़कर पहुंचा 98.05% पर।